उसने लहसुन बनाया है फ्राइडली, और जिसका मन नहीं होगा वो खा लेगा प्लेन इडली। तो बस मैंने फटाफट इडली बनाई है, और अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो मैं टिफिन पैक करके फिर हम आपसे मिलते हैं आराम से। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और माता रानी आप लोगों की सारी इच्छा पूरी करे। तो कल ऐसा क्या हुआ कि मैंने कल ब्लॉग बना नहीं पाए, तो घर पे इतने सारे गेस्ट आ गए थे, कल फास्ट भी था तो ब्लॉग नहीं डाल पाए। तो जैसे टाइम मिलता है आज का ब्लॉग मैं डालूँगी, और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप लोग भी नवरात्रा एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग तो यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बस वीडियो नहीं बना पा रहे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कल इतने लोग आ गए उसके चक्कर में हम लोग वीडियो नहीं बना पाए। तो आज पूरी कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा हो वीडियो बनाओ और डालो। तो मैं जा रही हूँ अभी नाश्ता करने, नाश्ता करके फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़े टाइम में। क्या हुआ, रोटी खराब कर रही है? यार ये परेशान कर रही है। परेशान कर रही है क्यों, क्या हुआ? बोल रहे मौसी हम रोटी बनाएंगे, हम क्या पहले बड़ी हो जाओ बनाओ। ए नहीं नहीं अब देखो सेक रही है ना, पूरा जला देगी रोटी मेरी। तो ये देखिए रोटी बन रही है भाई। रोटी सुबह से यार आज इतना काम है ना, मतलब क्या बताओ आप लोगों को। वो देखिए रोटी जल गई, काम ही नहीं कर रही। ये आज रोटी एक भी अच्छी रोटी खाए नहीं देंगे। या और ये पीछे से खाए 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 खाए। तो क्या बना रहे हो आज खाने में? आज खाने में तो दाल चावल रोटी सब्जी ये बन रहा है। किसकी सब्जी है? मैं कोशिश कर रही हूँ दोनों टाइम का बन जाए तो अच्छा है। तो सब्जी किस चीज की बन रही है? सब्जी है ये बीन्स, अभी बस सब कुछ हो गया, दाल चावल रोटी हो गई, बस बीन्स की सब्जी बनानी है। तो एक्चुअली क्या है ना कि शाम को ना विश्वा बहुत परेशान करने लगता है, और दीदी अभी 9 दिन का फास्ट है उनका, तो बिजी हो जाती है जिसमें से मेरा खाना नहीं बन पाता। तो विश्वा की वजह से मैं सोच रही हूँ कि मतलब एटलीस्ट रोटी तो दोनों टाइम का बन जाए। ठीक है बनाओ, उसके बाद आपको मिलते हैं हम। तो ये देखिए हमारे घर पे दाल चावल सब्जी रोटी सब तैयार हो चुका है। तैयार किसने किया? ये बिना लहसुन प्याज का है, इसमें लहसुन प्याज नहीं है। अभी जब तक नवरात्रा रहेगा लहसुन प्याज नहीं बनेगा। तो हमारा खाना तैयार हो चुका है, अब हम जा रहे हैं खाने, और खा के बताते आपको कैसा बना है। खराब ही बनेगा गाइस, हम बताएंगे नहीं आपको। तो अपना खाना किसको बुरा लगता है, हम तो बोलेंगे बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। अब आपको क्या पता? कल लो कैसे देख रही है खाना की तरफ। मैं तो उसको लगी भूख, और आपसे मिलते हैं।